डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। भैया यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुई नाम है हम आओ सचिन चौधरी। आमतौर पे जब बात कही जात के जितने व्यापार हो तो ते मानवता खत्म हो जात, लेकिन अगर इंसान ठान लेवे तो मानवता के संगे भी व्यापार हो सकत। काय के इंसान में अगर लालच खत्म हो जाए तो उको भी जीवन सुखी हुई हो, वो कई और लोगन को जीवन सुखी हो सकत। और कछु जोई जीवन सुखी करवे की एक लंबी सालों की एक पहल है, दमो को लंगड़ा होटल। अब आप सोचो कि ये होटल को नाम ऐसो का है और इनमें ऐसी क्या खासियत है, छोटी सी दुकान है। सो हम आपको इनकी खूबी बताएं। खूबी जाए कि आज भी देसी अंदाज में भोजन बनत और कई दशकों पुरानी है दमो की होटल है और इत ऐसे कोनू आदमी भूखो नहीं जात। पैसा होए तो नहीं होए तो कम होए चाहे ज़्यादा होए जाए तय कि हमें खूबी बताई गई है। बाकी अब हम ये होटल में देखें कि का खूबी है। जरा आप तरीका देखो कि आज के दौर में जब गैस सिलेंडर की रोटी चलत है तो बढ़िया शानदार तरीके से जो रोटी है बाय ते लकैया पे बनाई जा रही, चूल्हे पे बनाई जा रही। और चूल्हे की रोटी घरों में नहीं मिलती, होटल तो बहुत दूर की बात है। और बढ़िया तवा पे सेंकी जा रही गर्मा गर्म चूल्हा जला के। और एक छोटा सा होटल है और ये होटल को के भीतर अब हम चलें। भीतर का स्थिति है, भीतर भी देखो आप पूरा जो लोग खाना खाते हैं। आज कड़ी है, बताओगे कि मंगलवार के दिन कड़ी बनाई जात। और भी तमाम जो इतने की खासियत हैं जी हम बताएं। दुबे जी हमारे संग हैं। भाई जब आपको नाम का? हमारा नाम है संजीव दुबे। कब से जो होटल अपनों चल रहा है, कैसे साले हो? हमारे दादाजी की समय से ही होटल। हाँ, लगभग कैसे साले हो गई? हाँ, 70-80 के लगभग। तो लगभग 70-80 साल पहले, मतलब आजादी के भी पहले हमें लगत के हुए हैं जी। ऐसे आजादी के भी पहले को जो होटल है, का एक विशेषता है, का आप लोगों को का मेन्यू का की रेट में खाना पाओ? हमारे यहाँ फुटकर हिसाब चलता है, हमारे यहाँ कोई रेट फिक्स नहीं है। आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो 10 का खाना खा जाइए, 15 रुपये हैं तो 15 का, और कोई गरीब आ गया तो उसके पास नहीं है तो भी हम लोग खिला देते हैं खाना। हमारा काम है सेवा और वही हमारे बाप दादा करते आए तो उसी पीढ़ी पे हम लोग चल रहे हैं। बाप दादा जो पेड़ा पे जो सेवा कराता है, माफ़ करियो के जो सेवा करता है वही सेवा के बल पे आप आगे चल रहे। बुंदेली में बताओ, अपने तो बुंदेली चैनल है। हाँ। के का मेन्यू रख पूरे खाना हमारे यहाँ बदल के चलता है। जैसे किसी दिन आलू बैंगन दाल चावल और रोटी यही चलाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, मतलब कितने लोग काउ खाना खाते? अब ऐसा है कि अपन लोग निम्न श्रेणी के हिसाब से चलाते हैं। हाँ। तो नॉर्मल तो ऐसा है कि 50-60 आदमी अपने बाय डे अपन निपटा देते हैं। अच्छा। तो लेकिन एक चीज बताओ कि महंगाई को दौर है। हाँ। खाद तेल के भाव 150 रुपया है। ऐसे में इतने सस्ते में कैसा जीवन चल रहा, बुंदेली बताओ। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे और भी इलाजों में होटलों में तेल मसाले का ज़्यादा उपयोग होता है, हम उसकी जगह कम उपयोग करते हैं, यही कारण है। अब जैसे लोग बाग दाल फ्राई करते हैं तो हम लोग हल्के फुल्के तरीके से इसको एक ही बार में फ्राई करके रख देते हैं। हम लोग जैसे प्याज का उपयोग और लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग जीरे राई मेथी का उपयोग करते हैं ज़्यादातर, चाहे वो सब्जी हो चाहे दाल हो, उसमें एक ही बार में हम लोग उसको फ्राई करके कम्प्लीट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा उसमें हो जाता है हम लोग को। लकड़ियाँ तो बहुत महंगी मिल रही है आजकल, सस्ती तो क्या है कि टाल से हम लोग लकड़ी बुलवाते हैं तो अपने हिसाब से देख लिए जो टाल वाले कम रेट में दिए जैसे, तो उससे अपन लोग संपर्क साध लेते हैं, वो लोग डाल देते हैं। अच्छा, जो नाम लंगड़ा होटल जो है जो कैसे पड़े, इसकी कछु कहानी है? इसकी कहानी ये है कि हमारे यहाँ एक गाड़ी थी 10 सीटर, आपको मालूम हो पुराने समय में, अगर आपने देखी हो तो पुरानी पिक्चरों में भी देखे हुए। तो क्या है कि हमारे दादाजी थे, उनके भाई थे साथ में बड़े दादाजी, तो वो गाड़ी चलाते थे, तो उनमें उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका हाथ कट गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक काम करें, तो उन्होंने कहा क्या कह लें, अब अपन लोग गाड़ी इसको अलग करें। फिर उन्होंने कहा कि हम होटल डालेंगे और उनने गैरेज डाला, तो मोरगंज में जनता ट्रांसपोर्ट के नाम से गैरेज है, आप फाटक की बाजू से देखेंगे। तो उनने गैरेज खोला था ट्रांसपोर्ट और उनने खोला होटल, तो उनने होटल का नाम रखा लंगड़ा होटल। भैया के? नहीं, दादाजी ने। अच्छा। हाँ, उनका एक हाथ कट गया था। अच्छा, दादाजी ने होटल तो उन्होंने अपने उस पर हाँ नाम से फिर खोला। इसके बाद कभी लोगों ने जाने की यार इतनी सी दुकान है? नहीं नहीं, इसके पहले क्या है जो टाकीज है, धर्म टाकीज। हाँ। वो नहीं बनी थी। अच्छा। पहले हमारा होटल वहाँ था।
फिर उसके बाद जब टाकिज का काम लगा सन 65 में, तो हम लोग वहाँ से हट के आ गए, यहाँ पे प्रेमदास के बाजू से है वहाँ पर खोली फिर होटल, और सन 62 में फिर जो इस जगह पे अभी वर्तमान में सन 62 में हम लोग यहाँ आए, मतलब 59 और 58 59 साल लग गए। हाँ, तो जब टाकिज नहीं बनी थी उसके पहले वहाँ थी हमारी होटल। 59 साल से तो एक ही जगह, तो लोगों ने कही नहीं कि भैया दुबे जी कहूँ तो ना कि और व्यवस्थित कर लो, नहीं, नहीं, हमारे कर लो। क्या है उसका कारण कि हमारे लोग वह कह रहे हैं कि भाई खाने के लिए एक आड़ होना चाहिए, आजकल के फैशन के हिसाब से नहीं कि टाल सी लगा रहना चाहिए, भाई लोगों को बैठ के खाना खाना है सुकून से, अब यह नहीं कि अब फ्रिज भी कूलर भी स्थापित नहीं, और फिर उसके बाद मार्जिन का भी रहता है ना, फिर आप जैसी सुविधा दोगे लोग बाग उसके हिसाब से, और अपन का सेवा है कि अपन गरीब से गरीब आदमियों को, और जैसे लोग बाग जो नाते हैं बड़े वालों तो वो रोटी पैक करा ले जाते हैं। रोटी के देख की देख पैक करी, हमारा फुटकर हिसाब चलता है, जैसे आपने 10 रुपए की मांगी तो 5 रोटी दे दी। और अब जो भैया हैं आपके? जी बड़े भाई हैं, दो ही भैया मिलके? नहीं, चार भाई हम लोग। इतने कितने लोग मिलके चला? हाँ, हम लोग का 4-4 घंटे की शिफ्ट रहती है। अच्छा, चारों भाइयों? चार भाइयों की 4-4 घंटे रहेंगे, 12 घंटा चलता है, सुबह 10 से रात के 10 तक। तो चार ही भैया इनको गुजारा हो जाती है? हाँ, हो जाती है। लगता नहीं है यार कि अपन कछु और हो? नहीं 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 भाई, वो कहा कि हर आदमी की एक चॉइस रहती है, यानी कौन बोलता है कि गाड़ी घोड़ा अपन को नहीं है, अभी आप वर्तमान में हमसे मोबाइल पूछो वो भी नहीं रखते। मोबाइल वाहन घर में ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी लगत नहीं घर घर के लोग नहीं करते बाल बच्चे के जो है वो? नहीं, कभी जैसे घर के लोग ख्वाहिश नहीं करते के? नहीं, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश। बड़ी गजब की सेवा भाव है, आप देखो के मतलब जब फोटो की है ये पिताजी की है, पिताजी की, और वो सामने वकील साहब है, बहन वकील एडवोकेट, बहुत बढ़िया। तो जरा आप इनको सेवा भाव देखो, दुकान तो ठीक है और भोजन ठीक है, तमाम रेस्टोरेंट मिले दुकानें मिले, लेकिन ऐसो गजब को सेवा भाव, वो भी एक पीढ़ी में नहीं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा भाव चले आ रहा हो, कौन हो तीसरी पीढ़ी जो है सेवा भाव की, और इनके दिमाग में जो नहीं है कि हमें पैसा कमाने, इनके दिमाग में जो है कि हमें दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट भरने, अद्भुत है, प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखवे के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।